औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शम्सुल आरिफीन पीर सियाल लजपाल ख्वाजा मोहम्मद शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खाना खिलाना हमारे मसलक मशाइख चिश्त के मुशर्रब में, रोटी देना खाना खिलाना तमाम अमाल से मुकद्दम अफजल है। लिहाजा दरवेश को चाहिए कि अपनी ताकत के मुताबिक इस बारे में इंतहाई कोशिश करे। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ में हाजिर थे। आप फरमाते हैं, मुझे भूख लगी, शहर से बाहर एक होटल पर अपने अहबाब समेत एक लड़के को देखा, उसका पेट नंगा है और पत्थर बांधे हुए हैं। ये मंजर देखकर मैंने कसम खाई कि जब तक इसके सारे कुंबा को पेट भरकर ना खिलाऊं, खुद एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। होटल वाले को खाना तैयार करने का कहा गया। उस लड़के ने बुलंद जगह पर चढ़कर आवाज़ दी, सब आ जाओ, एक आदमी हम सब को खाना खिलाएगा। चुनाचा इसके कबीले के बेशुमार लोग जमा हो गए और खाना खिलाया। जब उस लड़के ने खुद कहा कि हमारे कबीले के तमाम लोग ने पेट भरकर खाना खा लिया है, तब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और आपके अहबाब ने खाना तनावल फरमाया। आपने फरमाया, पूरे सफ़र में इतना लुत्फ नहीं आया जितना इन भूखों को खाना खिलाने में हासिल हुआ। लोग तस्खीर के लिए वज़ाहिफ़ पड़े जाते हैं, हालांकि बड़ी तस्खीर ये है कि हाजतमंदों को खाना खिलाया जाए। दोस्तों, मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।